बताएंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो देखिए गौर से देखिएगा समांतर श्रेणी जिसे आप कहते हैं एपी का व्यापक रूप क्या है व्यापक रूप माने विस्तारित रूप तो इसका जो व्यापक रूप है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी अब आप एक बात जानते हैं ये जो दिया है प्रथम पद पर, ये दूसरा पद ये तीसरा पद ये चौथा पद है ठीक यही है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जब आपको ये पता रहेगा तो आप सर्वांतर निकाल सकते हैं इतना ही नहीं आप जो है आ, समांतर श्रेणी का पद भी निकाल सकते हैं इससे और यही है खेला तो एक बात और नोट में हम लिखाना चाहेंगे इसके बाद सवाल बताएंगे समांतर में यदि संख्या में वां लगा रहे संख्या में व लगा रहे तो समझ समझ जाइएगा कि एन का समझ जाइएगा कि एन का मान दिया है क्या दिया है यन का मान दिया हुआ है यदि संख्या में वहां लगा रहे ना तो समझ जाइएगा कि यन का मान जो है दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यन का मान दिया हुआ है और यदि नोट और कर लीजिए एगो और यदि अंतिम पद दिया रहे जैसे कि कोई संख्या है दो चार छः पाँच और दो चार छः और आठ दस डॉट 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 अब हो जाएगा विशवाँ पद के माँ पद विश्व पद तो वहाँ किस में लगा हुआ है तो बीस में लगा हुआ है तो ये जो बीस है ये यन का मान होगा किसका मान होगा तो यन बराबर हो जाएगा आपका बीस कितना हो जाएगा बीस लेकिन यहीं पर दो चार छः आठ दस इस तरह से दिया रहेगा और कह जाएगा कि दो सौ पच्चीस दो सौ पच्चीस कितना होगा दो सौ पच्चीस में इतना में कितना संख्या होगा तो ये जो दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है टी एन का मान दिया हुआ है समझाने के लिए है अब हम आगे बताएंगे तो ये ये समझ गए, ये जो ये जो है आप समझ गए कि इस तरह से दिया रहेगा तो हम समझ जाएंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी यदि संख्या में जिस संख्या में वा लगा रहेगा तो ये एन का मान दिया हुआ रहता है यदि अंतिम पद रहेगा तो समझ जाइएगा टी एन दिया हुआ है इतना आप समझ गए अब देखते हैं क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन की कैसे बन रहे है अब यहाँ पे गोस देखिए ए पी के चार पद लिखे जबकि प्रथम पद दस और सर्वांतर कितना दिया हुआ है दस ठीक जैसे कि आप जानते हैं प्रथम पद ए से सूचित करते हैं तो ए बराबर कितना दिया हुआ है दस और सर्वांतर डी से शुरू करता डी कितना दिया हुआ दस ठीक अब सर्व इससे पहले हम बताए थे कि सर्वांतर का व्यापक रूप सॉरी समांतर का व्यापक रूप समांतर का व्यापक रूप कितना होता है ए ए प्लस डी ए प्लस कॉमन ए सॉरी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी इतना होता है अब देखिए ए कितना है दस दस दिए कोमा ए दस है यहाँ पर देखिए ए दस है तो दस देंगे और जोड़ डी कितना है दस तो ये हो गया दस तो कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा अब लिखेंगे बाद में ए फिर दस हो गया अब देखिए दो डी तो दो और जोड़ दो और गुने डी तो दस कोमा ए प्लस प्लस थ्री डी तो ए दस और थ्री डी तीन गुने कितना दस इतना हुआ अब देखिए दस का दस से हुआ दस और दस कितना बीस हो गया कोमा दस और जोड़ बीस इतना हो जाएगा कोमा दस जोड़ तीस इतना हो जाएगा अब एक लाइन और लिख लेते हैं आपके समझने के लिए दस और बीस और हो गया तीस और हो गया चालीस अब वो बात बताइए इसका गैपिंग कितना है दस का दस का दस का सर्वांतर तो दस होने गए और इसके बाद इसका अंतर प्रथम पद ए हो गया सर्वांतर हो गया दस और ये चार जो पद आया निकल के दस बीस तीस और चालीस यही आपका जो होगा राइट आंसर होगा आपका वाली पाँच पॉइंट एक का दूसरा का पहला सवाल यही है और यही पूछा गया है आशा करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ये मिलते हैं अगला वीडियो जय हिंद